नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बाल महोत्सव के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में 300 बच्चों ने लिया भाग। श्रुति चौधरी के मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। हनुमान जोड़ी धाम में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में भिवानी जिले का रहा प्रतिनिधित्व। अब खबरें विस्तार से। जिला बाल कल्याण परिषद के द्वारा बाल भवन में आयोजित बाल महोत्सव 2024 के तीसरे दिन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, फन गेम, बेस्ट डामेबाज, एकल नृत्य व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आयोजित प्रतियोगिताओं में लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। वहीं उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी होने वाले बच्चों को जोनल स्तर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिला बाल कल्याण अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि बाल महोत्सव 2024 कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रश्नोत्तरी, एकल नृत्य व भाषण प्रतियोगिताओं सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें करीब 300 बच्चों ने भाग लिया। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में बच्चों को जिला स्तरीय मंच प्रदान किया गया है। जिला स्तर पर विजयी बच्चों को जोनल स्तर पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त एवं अध्यक्ष श्री महावीर कौशिक IAS के मार्गदर्शन में बाल भवन के प्रांगण में ये प्रतियोगिताएं 15 तारीख से चल रही हैं। इन प्रतियोगिताओं का आज तीसरा दिन है और आज तक करीब 32 प्रतियोगिताएं हम इस प्रांगण में करवा चुके हैं। आज की प्रतियोगिताएं पैट्रियोटिक सॉन्ग और सोलो क्लासिकल डांस, ये दो प्रतियोगिताएं आज करवाई जा रही हैं। बाकी कल हमारा लास्ट दिन है तो लास्ट कल 4-5 प्रतियोगिताएं बची हैं जो कि कल करवाई जाएंगी। क्या हमारे डिपार्टमेंट में प्रावधान ये होता है जी, डी साहब एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी जो डिसाइड करती है बच्चों को देने के लिए, वो मोमेंटो भी हो सकता है, कुछ और पर्सनल बच्चों के लिए यूज के आइटम भी हो सकते हैं। तो जो कमेटी डिसाइड करेंगे वो डिवीजन में जाएंगे, 5 डिस्ट्रिक्टों में बच्चे प्रतिभागी बनेंगे और जो डिवीजन में बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आएंगे वो बच्चे बाद में स्टेट लेवल पर जाएंगे और जो स्टेट में फर्स्ट सेकेंड आएंगे बच्चे उनको महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तोसाम विधानसभा से भाजपा विधायक श्रुति चौधरी को स्वतंत्र कार्यभार के साथ राज्य मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर पार्षद प्रदीप कौशिक ने बताया कि तीसरी बार बनी भाजपा सरकार पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। विधायक श्रुति चौधरी को मंत्री बनाए जाने पर पार्षद प्रदीप कौशिक ने कहा कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी मंत्री रहते हुए हरियाणा प्रदेश के संपूर्ण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब श्रुति चौधरी उन्हीं की तरह मंत्री बनने के बाद प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाने का काम करेंगी। उन्होंने बताया कि श्रुति चौधरी के मंत्री बनने से भिवानी जिला को विशेष तौर पर लाभ पहुंचेगा तथा यहां के विकास को बल मिलेगा, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में खुशी है तथा वे इस भाजपा के कदम को सराहनीय फैसला बता रहे हैं। खुशी में लड्डू बांटे गए हैं और भिवानी का विकास तो पहले चौधरी बंसीलाल जी ने किया था, अब श्रुति चौधरी तो उनसे ही बढ़ चढ़ के ज्यादा भिवानी के लिए कार्य करेंगी। भिवानी में तो सारे काम पेंडिंग है, सारे सीवर लाइन डैमेज हुई पड़ी है, हर जगह नरक ही नरक चल रहा है, गंदा पानी पीने के लिए आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, कोई किसी की सुनवाई होता नहीं है। पहले जो हमारे कोई भी जो पहले बीजेपी से पहले मंत्री MLA बने उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, अब श्रुति चौधरी बनने के बाद कार्य गति पकड़ेंगे। सब खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। तो शाम की जनता ने ये दिखा दिया है कि तो शाम के जो वारिस चौधरी बंसीलाल के वारिस तो श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी हैं और जनता ने सरो आंखों पर बैठा दिया है श्रुति चौधरी और मैडम किरण चौधरी को और उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की जो असली काम की गतियां हैं वो फिर अब दोबारा से आगे बढ़ेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर अनिल मास्टर वार्ड नंबर 16 से, आज जब पहले से, वैसे तो हमें पहले से ही आभास था, पता था कि मैडम बहन हमारी श्रुति चौधरी राज्य मंत्री बनने वाली है, मंत्री का पद संभालेंगी, लेकिन जब उन्होंने शपथ ली तो हर्ष उल्लास सारे भिवानी में फैल गया
क्योंकि भिवानी में अब तक विकास की जो युवा जागृति एवं जनकल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा हनुमान जोड़ी मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कालका से दिनेश सरदाना ने महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं महंत चरणदास महाराज ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि एक महान संत थे, हमें उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लेना चाहिए। इस मौके पर महंत चरणदास महाराज ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि एक महान संत होने के कारण उन्हें विशेष आदर के साथ देखा जाता है। उन्होंने भगवान राम के मूल्यों को बढ़ावा दिया और तपस्या परोपकार के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए अपने संदेशों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि युगों युगों तक भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रतिभागी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और भगवान श्री राम की जीवन गाथा के माध्यम से उनके जीवन आदर्श आचरण सत्य व अच्छाई की महत्ता पर जोर दिया। इस मौके पर महात्मा ज्योतिबा फुले धर्मा ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि देश के महापुरुषों ने हमेशा सत्य एवं सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। देश दुनिया के एकमात्र महान कवि आदि कवि भगवान वाल्मीकि की जयंती है। भगवान वाल्मीकि ब्रह्मवेत्ता थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने समय में भगवान की प्राप्ति के लिए और भगवान को पहले ही प्रकट कर दिया था, वही आने वाले समय में भगवान राम और पूरा जो परिवार ऐसे ऐसे रहेगा। और रामायण के रचयिता होने के नाते मैं मानता हूँ सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण है। और रामायण के रचयिता रामायण के माध्यम से जिन्होंने देश दुनिया में राम जी को कुदवाया पहुँचाया, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है। तो हमारे आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी बहुत ही पूजनीय हैं और सबके लिए पूजनीय हैं। हम उनको जितना भी उनको हम मानेंगे, जितना हम उनको पूजेंगे, जितना हम उनको पढ़ेंगे, जिनको जितना भी हम उनको समझेंगे, इस देश में कहीं ना कहीं खुशहाली आएगी, जिस देश में कहीं ना कहीं भाईचारा बढ़ेगा, सद्भावना की बात बढ़ेगी। नायब मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भिवानी जिले के लोगों का विशेष प्रतिनिधित्व रहा। इस बारे में नगराधीश विपिन कुमार ने बताया कि भिवानी जिले के प्रत्येक खंड से 50 के करीब बसों में कार्यकर्ता समारोह में भाग लेने के लिए पंचकुला पहुंचे। जिला प्रशासन के द्वारा यात्रियों के लिए भोजन व पेयजल की सुविधा प्रदान की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। सीटीएम विपिन कुमार ने बताया कि यात्रियों को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह स्थल पंचकुला तक ले जाने व लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई थी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भिवानी से रोडवेज की बसों में सवार होकर लोग प्रातः ही पंचकुला के लिए रवाना हो गए थे। व्यवस्था को देखने के लिए नगराधीश विपिन कुमार स्वयं बस स्टैंड पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि भिवानी से 50 से अधिक बसें यात्रियों को लेकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुई। जिला प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए भोजन व पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। सभी बसों में 45 से लेकर 50 तक यात्री सवार थे और सभी यात्रियों को जिला प्रशासन की ओर से फूड पैकेट्स उपलब्ध करवाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी दूसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ में, और उसके अंदर माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है और हमारे भिवानी से भी यशस्वी विधायक चौथी बार से बहुत भारी मतों से हमारे विधायक बने हैं। तो आज भिवानी से काफी बसें जो हैं पंचकुला के अंदर जारी है। हम भी मेरे साथी है, पूरी बस भरी हुई है और सभी साथी पंचकुला में आज शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह। आए तो जो सरकार ने, मैं रमेश पतेरवाल भाजपा महासंपर्क अभियान जिला अध्यक्ष, आज जो नायब सैनी जी शपथ ले रहे हैं, लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे सुविधाएं बस स्टैंड पे सारी मिल गई है, जो भी है इनकी खाने पीने की व्यवस्था पूरी है और लोगों में नायब सैनी बनने से बहुत। मंडल के सभी साथी पंचकुला शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ शपथ ग्रहण में उपस्थित होंगे और हमारे हरियाणा के जितना भी मंत्रिमंडल के लोग हैं वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे और हमारे साथियों के अंदर बहुत उत्साह है। तीसरी बार जो सरकार बनी है उसके देखते हुए और हमारे भावी मुख्यमंत्री जो नए बने हैं नायब सैनी जी, हम उनको भी मुबारकबाद देंगे और हमारे जितने साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। देखिए, जैसा कि सबको विदित है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है पंचकुला में, तो उसके लिए पूरे भिवानी जिले से जो है आम जनों की भागीदारी है और इसके लिए स्पेशल रोडवेज की बसें चलाई गई हैं ताकि
आमजन भी अपनी भागीदारी शपथ ग्रहण समारोह में दे सकें। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो जो लोग पंचकुला के लिए जिनकी रवानगी है उनके लिए फूड के पैकेट, पीने का पानी और फ्रूटी का प्रबंध किया गया है ताकि सभी लोग जो है वो आराम से जो है एक कंफर्टेबल स्टे के साथ रोडवेज की बसों में पंचकुला पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। नहीं, ये सब कुछ सरकार की तरफ से फ्री है। जो जो लोग बसों में जा रहे हैं सबके लिए खाने की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई और एकदम निशुल्क है, इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं। देखिए, भिवानी डिपो से 52 बसेज गई हैं लोगों को लेकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए, और सभी बसेज में जितने भी यात्री हैं उनके लिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। सबको प्रॉपर तरीके से आराम से लेके जाएंगे और वापसी भी लेके आएंगे। भिवानी से टोटल 52 बसेज गई हैं और अभी स्टार्ट हुए जाना, अलग अलग डेस्टिनेशन से सभी 152 ही होके जाएंगे। और अब चलते चलते देश की राजनीति के सिरमौर रहे हरियाणा के तीन लाल, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल, तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की कभी हरियाणा में तूती बोलती थी। तीनों दिवंगत नेताओं में से देवीलाल तो देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, जबकि भजनलाल केंद्रीय कृषि मंत्री और बंसीलाल केंद्रीय रक्षा और रेल मंत्री भी रहे। लेकिन साल 2014 में हरियाणा राजनीतिक इतिहास में पहली बार भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत के बाद मनोहर लाल के रूप में हरियाणा की राजनीति में चौथे लाल की भी मुख्यमंत्री के रूप में एंट्री हुई। इसके बाद 2019 में फिर से उन्हें लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, जिसमें लगभग 9.5 वर्ष तक उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर अपनी सेवाएं दी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में लगभग 6 माह पूर्व उनकी जगह नायब सैनी की नियुक्ति कर दी गई। भाजपा हाईकमान ने मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से संसद की टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। मनोहर लाल के इस्तीफा देने पश्चात खाली हुई करनाल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। वहीं तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार में मनोहर लाल को ऊर्जा एवं शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय दिए गए। भले ही मनोहर लाल का मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद 9.5 साल में उनके द्वारा बनाई गई पारदर्शी और आम जन के सीधे लाभ देने के लिए पोर्टल के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की उस वक्त आलोचना होने लगी थी, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर तीसरी बार पूर्ण बहुमत लेकर हरियाणा के राजनीतिक इतिहास रचने में मनोहर लाल की नीतियों का विशेष योगदान रहा। इसमें विशेषकर बिना खर्ची पर्ची योग्य युवाओं को रोजगार, किसानों के खाते में सीधा फसल भुगतान, बुढ़ापा पेंशन, मुफ्त राशन जैसी सुविधा सीधी ऑनलाइन भी प्रमुख है। मनोहर लाल के राजनीतिक कौशल के सामने बड़े से बड़े राजनीतिक रणनीतिकार बोने साबित हुए हैं। अब भाजपा शासन के तीसरे कार्यकाल का नेतृत्व दूसरी बार नायब सिंह सैनी करेंगे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बाल महोत्सव के तीसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में 300 बच्चों ने लिया भाग। श्रुति चौधरी के मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। हनुमान जोड़ी धाम में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती। मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में भिवानी जिले का रहा प्रतिनिधित्व। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।